अल्लाह, कुछ शर्म हया है कि नहीं? घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और तुम दोनों अपनी मजनूगिरी में लगे हुए हो। और सना, तुमसे तो ये उम्मीद न थी। ये तो है ही बेशरम। अरे चच्ची जान, मैं तो सना का काम में हाथ बटा रहा था। अच्छा, बड़ा काम काजी है तू। तो आज रात सबका खाना तू ही बना देना। और सना, जी चची जान, सबके लिए चाय नाश्ता ले आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी अब चलिए, मैं लाई। अच्छा किया आप आ गई, लो चाय। शुक्रिया बेटा। आपकी बहू कितना ख्याल रखती है सबका। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नगमा, पर एक बात बताऊं, औरत के पास घर का काम करने के अलावा भी और भी जिम्मेदारियां होती हैं। खानदान का नाम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, अब देखो अपनी नरगिस ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अरे आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो गई होगी। तुम रो रही हो? नहीं। क्या हुआ सना? कुछ नहीं। मेरी जान लेके बताओगी क्या? बता भी तो क्या हुआ? आज अम्मा जी ने फिर से सबके सामने बच्चे का ताना मारा। मैं क्या करूं, मैं मां नहीं बन पा रही। तो ये सब कुछ मैं जानबूझकर तो नहीं कर रही ना। तुम अम्मा जी की बातों को दिल से ना लगाया करो, इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक होगा। क्या हम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं? आखिर पता तो चले परेशानी क्या है, क्योंकि पिछले एक साल से हमने कोई एहतियात भी नहीं बरती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? अम्मी अबू ने भाईजान को बुलाया है, बोला है कि अभी के अभी आए। ठीक है, मैं अभी उठा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया अबू? हाँ बुलाया था, बैठो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात शुरू करूं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। साफ साफ कहें अब्बू, क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए और सना अभी तक माँ ही नहीं बन पाई। अब तो मोहल्ले में भी लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं, खानदान की बहुत बदनामी हो रही है। अब्बू, 3 साल का वक्त इतना लंबा वक्त भी नहीं होता। 3 साल का वक्त बहुत लंबा होता है।
किसी भी औरत के लिए माँ बनने के लिए। तुम नरगिस को ही ले लो, साल भर नहीं हुआ उसके निकाह को और माशाल्लाह चांद सा बेटा हुआ है उसे। काश तुम्हारा निकाह नरगिस से हुआ होता। अम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही कि अब तुम दूसरा निकाह कर लो। अम्मी मैं सना से बेइंतहा प्यार करता हूँ और आप जानती हैं ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मेरी कब्र पे तो मिट्टी डाल पाओगे? अम्मी तुम्हारे इसी प्यार के कारण हम झुक गए थे, ये जानते हुए भी कि सना का खानदान हमारी बराबरी का नहीं है, वरना तुम्हारा निकाह तो बचपन में ही नरगिस से तय हो गया था। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब बस मेरे खानदान का आगे नाम चलाने वाला कोई हो, मेरा अपना पोता हो। मेरे ख्याल से फरहाद मियां अब सना को उसके वालिद के घर छोड़ दो। मुझे तो इनके खानदान का ही मसला लगता है, इसकी तो बड़ी बहन को भी 5 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ। फरहाद उठो आपकी चाय। क्या है? लो जी चाय आ गई। दानिश दानिश जल्दी आइए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। भाभी जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। बात कर लीजिए ना, कोई बात नहीं। देखिए मेरे के देखिए ना, सही बोल। ध्यान से जाना ओके? मैं आऊंगी स्कूल लेने के लिए, अकेले मत आना। बाय। अच्छा आज टीचर ने जो होमवर्क दिया मुझे घर पहुंच के बताना। दानिश बदतमीजी नहीं, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह घर चलो। अरे लो चाय। शुक्रिया बेटा। जीती रहो बेटा। अम्मा जी आज रात के खाने में क्या बनना है? जो आपकी मर्जी हो वो बना लीजिए बेटा, आपसे बेहतर इस घर में सबकी पसंदें कौन जानता है। जी अम्मा जी। माशाल्लाह हमारे फरहाद मियां बड़े नसीबों वाले हैं, जो जीवन साथी भी उन्होंने बिल्कुल अपनी पसंद का चुना है। अंदर नहीं आओगे? मुझे कुछ काम है, फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे फरहाद मियां अंदर क्यों नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। उन्हें कुछ काम था, फिर आएंगे वो। अरे भाई ऐसा भी क्या काम, बाहर से चले गए? सब खैरियत से तो है ना? अम्मी सारी बातें यहीं कर लोगी क्या, अंदर भी नहीं ले जाओगी अपनी बेटी को? हाँ चलो। चलिए। बिल्किस बानो कपड़े कहाँ है मेरे? अरे वहीं पड़े हैं कमरे में। अरे नहीं दिख रहे हैं मुझे। या अल्लाह रुके आती हूँ। एक तो ये लड़का दानिश अभी तक सोया है। दानिश, दानिश, अल्लाह जाने ये लड़का कब उठेगा। मुझे उठाया क्यों नहीं, मेरे स्कूल का टाइम निकल गया। मैं बिल्कुल भूल गई, भाभी को तो सब याद रहता था। ज्यादा बदजबानी करने लगे हो। लो ये चाय जाकर अपने भाईजान को दे आओ।
मुझे आज स्कूल से निकाल दिया। अल्लाह, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि रोज रोज मैं स्कूल लेट पहुंचता हूँ, टेस्ट में नंबर कम आते हैं, ना होमवर्क पूरा हो पाता है। भाभी कब वापस आएगी? वो मेरा सारा काम टाइम पे करती थी। आज से आपके स्कूल की और पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। आपको एक बात बतानी थी। राबी अप्पा माँ बनने वाली हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ना एक बार इमरान भाई से बात कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी इमरान भाई को फोन करके उनको मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम फरहाद मियां, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो भाई जान, मुझे सना ने फ़ोन करके बताया राबिया आपा माँ बनने वाली हैं। आपको भी मुबारक। भाई जान मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ कभी भी। ठीक है भाई जान, मैं शाम को घर पे ही आता हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ। मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने, अम्मी अब्बू का रोना धोना। एकदम अकेला पड़ गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो जाएगा। भाईजान अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, यही ना ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। जी भाईजान। IPF का नाम सुना है तुमने? ठीक है भाई जान, मैं कल सना को उसके वालिद के घर से लेने के बाद आपको अस्पताल में मिलता हूँ। ठीक है भाई जान। मैं सना से बहुत प्यार करता हूँ भाई जान। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ समय पे ठीक होगा। तुम आराम से घर जाओ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। IVF के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसके लिए हमें आप दोनों के कुछ टेस्ट करने होंगे। जी बिल्कुल कीजिए। नर्स, आप मैडम को डॉक्टर अनीता के पास लेके जाइए। ओके। और आप मेरे साथ चलिए। Thank you.
फरहाद, सना की सारी रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स में गड़बड़ है। आपके स्पर्म काउंट्स काफी कम है। हमें किसी स्पर्म डोनर का सहारा लेना होगा। डॉक्टर साहब, कोक तो मेरी सना की होगी ना, उस कोक में बच्चे को सींचने वाला खून तो मेरी सना का होगा ना। मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे बस भी करो, कितना बोलोगी? बोला है मैंने बाजू वाली को, रोज रोज पानी पे। ये क्या है फरहाद मियां? खोल के देखें अब्बू। क्या है ये? और आप इतने परेशान क्यों हो गए? कोई मुझे कुछ बताएगा? मैं बताता हूं अम्मी, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बाप नहीं बन सकता। फरहाद मियां, ये क्या बकवास है? कम से कम ये तो देख लीजिए किसके सामने क्या बोल रहे हैं। ये बकवास नहीं अम्मी, ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपका बेटा बाप नहीं बन सकता। अब्बू, आपने सना को ये कह के घर से निकलवा दिया था कि वो माँ नहीं बन सकती। अब अगर सना के घर वालों को पता चल जाए कि उनका दामाद बाप नहीं बन सकता और वो सना का निकाह कहीं और करा दें, तब क्या करेंगे आप? अम्मी, आप मेरी शादी नरगिस से करवाएं या किसी और से, मैं बाप नहीं बन सकता। और ये बात भी एक ना एक दिन मोहल्ले वालों को पता चलनी ही है। तब क्या आप अपने बेटे को घर से निकाल देंगी? कमी सना में नहीं अम्मी, कमी आपके बेटे में है। माँ बाप बनने की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब ऐसा ना हो पाए तो इल्जाम सिर्फ औरत को क्यों दिया जाता है? फरहाद ने जो रास्ता चुना, क्या वो सही नहीं है? खुशियां हमारे आसपास ही होती हैं, बस हमें उनका एहसास होना चाहिए।